सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। मैं इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में आज हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। मैं इसके पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड के बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड। लेकिन स्टार्ट करने के पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आर कोई रिंग है और इस रिंग का कोई भी एलिमेंट हम लोग ए लेते हैं, कोई भी एलिमेंट रिंग, अगर एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा मिले ताकि एन ए इज इक्वल टू जीरो, जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग, रिंग के प्रत्येक मेंबर के लिए अगर एन ए इज इक्वल टू जीरो हो तो हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग इज इक्वल टू एन, जहां एन क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। एन जो है वो अगर मान लीजिए ये 5 इंटू ए इज इक्वल टू बी जीरो आ रहा है, 7 इंटू ए इज इक्वल टू बी जीरो आ रहा है, 8 इंटू ए इज इक्वल टू बी जीरो आ रहा है, 5 से कम के लिए नहीं हो रहा है, 5 से अधिक के लिए हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 5। तो इस 5 को हम लोग कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर इज इक्वल टू 5। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग के बारे में, और इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दिया हूँ उस लिंक को आप देख करके, उस लिंक पर क्लिक करके, उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं थ्योरम, थ्योरम क्या है, उसी थ्योरम से के आधार पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन को समझ सकते हैं। तो क्या है थ्योरम, देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जीरो होगा या एन होगा, एन पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो होगा या एन होगा अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट रिगार्डेड एज ए मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ द इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और एन। जैसे यहां पर मान लीजिए डी कोई इंटीग्रल डोमेन है, डी इंटीग्रल डोमेन में आप ये जानते हैं कि इंटीग्रल डोमेन एक एडिटिव ग्रुप भी हो जाता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप भी हो जाता है, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, अगर इसका कोई भी एलिमेंट ए ले लेते हैं यानी ये ग्रुप का मेंबर हो गया तो एडिटिव ग्रुप का मेंबर, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन एडिटिव ग्रुप भी होता है, तो एडिटिव ग्रुप में ऑर्डर होता है, ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का होता है, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर मान लीजिए इस एलिमेंट का ऑर्डर एन है, अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर एन है तो इस इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक भी एन होगा, और अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर जीरो है, सपोज कीजिए ये जीरो है ऑर्डर, तो उस समय इसका कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो होगा। ध्यान दीजिएगा ए जो ले रहे हैं वो कैसा एलिमेंट होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं रिगार्डेड एज ए मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप, ये एडिटिव ग्रुप के मेंबर के रूप में रिगार्ड कर रहे हैं, इसको एडिटिव ग्रुप के मेंबर के रूप में हम लोग समझ रहे हैं, तो वो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा तो इस इंटीग्रल डोमेन का भी, सॉरी, अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर जीरो होगा तो इस इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो होगा, और अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर एन होगा तो उस समय इसका कैरेक्टरिस्टिक भी एन होगा। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के बारे में आप जानते हैं, एडिटिव ग्रुप है,
अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर n है तो इसका मतलब n a इज इक्वल टू 0, जहां n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। अगर ऑर्डर की बात करें, ग्रुप में किसी एलिमेंट के ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर अगर n है तो n into a इज इक्वल टू 0। लेकिन वही अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और उसका कोई एलिमेंट a लेते हैं, उस समय अगर इसका ऑर्डर n है तो उस समय हम लोग कहते हैं a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी अगर आ जाए और n अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो n को हम लोग कहेंगे ऑर्डर। लेकिन वही अगर एडिटिव ग्रुप हो तो एडिटिव ग्रुप में e जो है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर a टू द पावर n नहीं लिखेंगे बल्कि n a लिखेंगे। n a इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो n को हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट a, और अगर एलिमेंट a का ऑर्डर n आता है तो इसका इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक भी n होगा। तो चलिए इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, एक इंटीग्रल डोमेन लेना है d, और उस इंटीग्रल डोमेन का कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट लेना है, और उस नॉन जीरो एलिमेंट का हम लोग ऑर्डर निकाल लेंगे। जो ऑर्डर होगा नॉन जीरो एलिमेंट का वही कैरेक्टरिस्टिक होगा इंटीग्रल डोमेन का। अगर एलिमेंट का ऑर्डर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक भी 0 होगा, अगर इंटीग्रल एलिमेंट का ऑर्डर n है तो इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक भी n होगा। बस यही आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। लेट d बी एन इंटीग्रल डोमेन, कोई भी इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं, इफ ए नॉन जीरो एलिमेंट d इज ऑफ ऑर्डर 0। कोई नॉन जीरो एलिमेंट लिए d का, उसका ऑर्डर अगर 0 है, ऑर्डर 0 है इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर 0 कहने का मतलब किसी एलिमेंट का ऑर्डर 0 है तो a टू द पावर n इज इक्वल टू e नहीं होता। अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो एडिटिव ग्रुप अगर है तो n a नॉट इक्वल टू 0। कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता है ताकि उसको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाए, और अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तो कैरेक्टरिस्टिक भी 0 होता है। अगर ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिले ताकि n a इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उस इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग 0 कहेंगे। तो ऑर्डर अगर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक भी 0 हो जाएगा। फिर से समझिए, ऑर्डर 0 है अगर किसी एलिमेंट का, यानी कि कोई ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा ताकि n a इज इक्वल टू 0, और अगर n a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो 0 होगा। अब देखिए ये तो पता चल गया कि इंटीग्रल डोमेन के किसी भी एलिमेंट का अगर ऑर्डर 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक भी 0 होगा। अब हम लोग नॉन जीरो एलिमेंट की बात करते हैं, नॉन जीरो ऑर्डर की बात करते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट a बी फाइनाइट, मान लीजिए 0 अब कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर नहीं है बल्कि कोई फाइनाइट ऑर्डर है, एंड इक्वल टू n, मान लेते हैं कि उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है n है, तो ऑर्डर n है मतलब n इंटू a इज इक्वल टू 0 होगा। ऑर्डर के डेफिनेशन से ग्रुप में एलिमेंट का जो ऑर्डर का डेफिनेशन है उसके अनुसार अगर एलिमेंट का ऑर्डर n है तो n a इज इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करते हैं, सपोज b बी एनी अदर नॉन जीरो एलिमेंट, a तो एक एलिमेंट है ही, अब कोई भी एलिमेंट लेते हैं b सपोज कर रहे हैं एनी अदर नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ b, वी हैव यहां पर हम लोग देख चुके हैं n a इज इक्वल टू 0 है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर अब n a इज इक्वल टू 0 था, इसमें b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 में भी b से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही है, अभी हम लोग देख चुके हैं n a इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हम लोग b से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में b से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, इस n a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n a को लिख सकते हैं a डॉट डॉट टू n टर्म्स, r इज इक्वल टू n टू b इज इक्वल टू 0। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये b को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ab डॉट डॉट, ये कितना टर्म तक होगा, टू n टर्म्स तक है, n टर्म्स इज इक्वल टू 0।
अब यहां पर ऐसा कीजिए, ए को आप कॉमन ले लीजिए, ए को कॉमन ले लेते हैं तो बी प्लस बी प्लस बी प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर बी बी को अगर एन बार ऐड करते हैं तो एन इंटू बी होगा इज इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान दीजिए, ए इंटीग्रल डोमेन का मेंबर है और एन बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एन बी भी इंटीग्रल डोमेन का मेंबर होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। और सिंस डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर, डी इंटीग्रल डोमेन है इसीलिए विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या हो गया कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है और उसमें से एक नन जीरो है तो दूसरा निश्चित रूप से जीरो होगा। यहाँ पर ये जो हम लोग सपोज किए हैं वो ए को नन जीरो एलिमेंट सपोज किए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ द ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट ही, नॉन जीरो एलिमेंट है ए का, ये सॉरी नॉन जीरो एलिमेंट है ये, तो ए चूंकि नॉन जीरो है इसीलिए निश्चित रूप से यहां पर इंप्लाइज एन बी इज इक्वल टू जीरो, एन बी निश्चित रूप से जीरो हो। ऑल्सो वी हैव एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट एन इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। क्यों? यहां पर अभी हम लोग लिखे हुए हैं कि ऑर्डर जो है इस एलिमेंट का एन है तो एन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा ताकि एन ए इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इससे छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा। ऑल्सो एंड एंड कर देते हैं एंड n इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिए ये b कोई भी एलिमेंट था और n इंटू बी इक्वल टू जीरो आ गया, n इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है और n जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इससे छोटा कोई भी नहीं मिल सकता है। अगर n लिस्ट यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है ताकि n इक्वल टू जीरो, तो हम लोग कह सकते हैं दस वी हैव x बी एनी एलिमेंट ऑफ d देन देयर एग्जिस्ट, ये पॉजिटिव इंटीजर n such that n into x is equal to 0। अब कैसे कह सकते हैं जरा समझिए, x कोई भी एलिमेंट है d का और ऐसा है x कोई भी एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर n मिल जा रहा है और ऐसा मिल रहा है कि n x equal to 0। कैसे? अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर n b is equal to 0। b क्या है? कोई भी एलिमेंट है d का, यहाँ पर लिखे हुए हैं b be any other non zero element of d, b जो है वो कोई भी non zero element है, तो non zero element को भी n से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, जीरो एलिमेंट को भी n से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, और n क्या है उसमें से प्रत्येक के लिए फॉर ऑल x सभी के लिए देखना पड़ता है कि इंटीग्रल डोमेन के प्रत्येक मेंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और n लिस्ट होना चाहिए। तो ए के बारे में हम लोग जानते हैं कि ए जो है वो डी का है मेंबर है और एन जो है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है ताकि एन ए इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो के लिए भी एन इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, नॉन जीरो के लिए भी आ रहा है और एन क्या है लिस्ट है इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एन एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है और ऐसा मिल रहा है कि एन एक्स इक्वल टू जीरो। और अगर ऐसा मिल जाए तो हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन डी इज इक्वल टू एन। तो क्या हम लोग देख लिए कि अगर इंटीग्रल डोमेन का किसी नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो आ रहा है, और अगर ऑर्डर कोई फाइनाइट नंबर एन मान रहे हैं तो उस समय कैरेक्टरिस्टिक भी कितना आ रहा है, एन आ रहा है। तो अगर इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक निकालना हो तो बड़ा आसान तरीका है, कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे और नॉन जीरो एलिमेंट का हम लोग ऑर्डर निकाल लेंगे। अगर ग्रुप में इंटीग्रल डोमेन भी एक ग्रुप होता है तो ग्रुप में ऑर्डर निकाल लेंगे, और अगर ऑर्डर जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक भी इंटीग्रल डोमेन का जीरो होगा
और अगर ऑर्डर एन है तो कैरेक्टरिस्टिक भी एन हो। तो ये हुआ इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। चलिए आगे नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग देखते हैं। इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं। ये थ्योरम क्या कहता है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और योर प्राइम नंबर। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो होगा या प्राइम नंबर होगा। कभी भी कैरेक्टरिस्टिक का इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक कंपोजिट नंबर नहीं होगा, या तो जीरो होगा या फिर प्राइम नंबर होगा। चलिए इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। सपोज डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, कोई भी इंटीग्रल डोमेन हम लोग डी ले रहे हैं, ए नॉन जीरो एलिमेंट है और डी का मेंबर है, डी का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिए हुए हैं। और अगर ए का ऑर्डर जीरो है, अभी थ्योरम जस्ट पढ़ चुके हैं कि अगर ए का ऑर्डर जीरो है तो डी का कैरेक्टरिस्टिक भी जीरो हो। तो डी का कैरेक्टरिस्टिक जीरो हो जाए। अगर ए का ऑर्डर मान लीजिए फाइनाइट है, मान लेते हैं ए का ऑर्डर पी कोई नंबर है, फाइनाइट ऑर्डर है, ए का ऑर्डर मान लेते हैं हम लोग पी, तो अभी जस्ट थ्योरम जो पढ़ चुके हैं उसके अनुसार द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी विल बी पी। जब जो ऑर्डर ए का होता है वही कैरेक्टरिस्टिक होता है डी का, तो डी का ऑर्डर भी, डी का कैरेक्टरिस्टिक भी पी होगा। अब हम लोग को दिखाना क्या है कि डी का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। वी हैव टू प्रूव दैट पी मस्ट बी ए प्राइम, पी को प्राइम दिखाना है। तो इसको कैसे दिखाएंगे प्राइम? इसका जस्ट उल्टा लेकर के चलते हैं हम लोग। अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल वी सपोज दैट पी इज नॉट प्राइम, पी को प्रूव करना है प्राइम, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि पी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है मतलब कंपोजिट नंबर होगा, तो कंपोजिट नंबर अगर आने के वो दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंपोजिट नंबर आपका 8 है, तो 8 को हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं। तो वैसे ही पी मान लेते हैं कि प्राइम नंबर नहीं है, मीन्स कंपोजिट नंबर हो गया, तो कंपोजिट नंबर हो गया तो इसको दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। अब दोनों नंबर में से कोई भी नंबर 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे ये और ये दोनों कोई भी 1 के बराबर नहीं है। और दूसरी चीज कि जो दो नंबर का प्रोडक्ट है वो दोनों पी से स्मॉलर होगा, जैसे 4 भी 1 से स्मॉलर है और 2 भी 1 से स्मॉलर है, तो P1 भी P से छोटा होगा और P2 भी P से छोटा होगा। अब सिंस D इज एन इंटीग्रल डोमेन, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ D कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर में दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। तो A यहां पर हम लोग मान रहे हैं कि A नॉन जीरो एलिमेंट है, तो नॉन जीरो एलिमेंट है इसीलिए ए का ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो के बराबर नहीं आ सकता है इंटीग्रल डोमेन में, यानी कि ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो अब यहां पर समझिए, नाउ इन एन इंटीग्रल डोमेन टू नॉन जीरो एलिमेंट आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर इंटीग्रल डोमेन की बात करें तो इंटीग्रल डोमेन में कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर सेम होता है। अगर ए का ऑर्डर पी है, यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं ए का ऑर्डर पी है, तो ए स्क्वायर भी नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा? पी होगा। अब जरा समझिए, यहाँ पर ए स्क्वायर का ऑर्डर पी है, ऑर्डर पी मीन्स पी इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी को अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में लिखे हुए हैं, पी को क्या लिखे हुए, पी इक्वल टू पी वन इंटू पी टू। तो यहाँ पर हम लोग पी को लिख जाते हैं P1 into P2 into A square is equal to 0, A square को लिख जाते हैं A into A is equal to 0। अब यहाँ पर P1 A को P1 into P2 है, P1 into A को एक साथ और फिर P2 into A को एक साथ। अब चूंकि ये दो एलिमेंट है इंटीग्रल डोमेन और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो P1 into A is equal to 0 होगा या फिर P2 into A is equal to 0 होगा। क्यों? Since D is without zero divisor, D जो है without zero divisor। तो दो element का product अगर 0 है तो दोनों में से कम एक 0 आएगा ही। अब जरा देखिए, अगर P1 A into 0 करते हैं
तो इसका मतलब ए का कैरेक्टरिस्टिक, ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा P1। लेकिन ए का ऑर्डर कितना है यहाँ पर अभी हम लोग लिखे हुए हैं ए का ऑर्डर के बारे में कि ए का ऑर्डर कितना है पी। अब पी से छोटा, पी ए का ऑर्डर है, पी मीन्स पी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इससे छोटा नहीं मिल सकता है। जबकि यहाँ पर P1 into A यानी कि A का ऑर्डर जो है वो P1 भी हो सकता है, यहाँ पर P1 से छोटा है। लेकिन P1 तो P से स्मॉलर है, अभी यहाँ पर हम लोग जस्ट देख चुके हैं कि P1 जो है P1 less than P और P2 भी less than P। तो क्या A का ऑर्डर P1 से स्मॉलर, P से स्मॉलर मिल सकता है? यहाँ पर तो A का ऑर्डर P1 आ रहा है, P1 या उससे भी छोटा आ सकता है, लेकिन P से छोटा A का ऑर्डर नहीं मिल सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी एंड P1 लेस देन पी, P2 लेस देन पी, देयरफॉर P1A इक्वल टू 0 एंड P2A इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कंट्राडिक्शन मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ कहता है कि ये 0 होगा और यहाँ पर कह रहा है कि ये 0 नहीं हो सकता है, तो इसीलिए कंट्राडिक्शन मिल रहा है। सो वी गेट ए कंट्राडिक्शन, हम लोग को कंट्राडिक्शन मिल गया, तो इसका मतलब हम लोग को जो मानना था वो गलत है। एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे कि पी प्राइम नहीं है, यानी कि पी प्राइम नहीं है वो गलत हो गया, देयरफॉर पी इज प्राइम। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया ये कि इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा, प्राइम होगा। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड क्या है, जरा इसके बारे में देखिए। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, कोई भी फील्ड जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो आप ये कह सकते हैं सिंपली यहीं से कि इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वही फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड एफ इज जीरो और एन अकॉर्डिंग एज एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन पर्टिकुलर द यूनिट एलिमेंट 1 ऑफ एफ इज ऑफ ऑर्डर 0 और n। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड क्या होगा, 0 होगा या n होगा, किसके अनुसार होगा? अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 0 या n। अगर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर 0 आ गया तो फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक भी 0 होगा, और अगर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर n है तो फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक भी n होगा। लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ इन पर्टिकुलर द यूनिट एलिमेंट, आप नॉन जीरो एलिमेंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ यूनिट एलिमेंट के बारे में बात कीजिए कि यूनिट एलिमेंट का अगर ऑर्डर 0 आ गया तो फील्ड का भी और कैरेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा, और अगर यूनिट एलिमेंट का ऑर्डर n आ गया तो फील्ड का भी कैरेक्टरिस्टिक n हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए इंटीग्रल सॉरी फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए यूनिट एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लेंगे, यूनिट एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा फील्ड का। तो फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक निकालना बहुत आसान हो जाएगा, हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट यूनिट एलिमेंट के बारे में ही बात करेंगे, सिर्फ यूनिट एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ये होगा फ्रेंड्स फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक और कुछ थ्योरम मैं आज बताया हूँ। अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में रिंग के बारे में और भी बात करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा ये वीडियो आपको, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।